الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاتل وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون سلسلہ اربعین یہ چار مجلس ہیں حسینیہ ایرانیان میں منعقد ہو رہی ہیں. میں نے آپ حضرات کو دیکھا, آپ میں سے اکثر احباب بہت دور سے یہاں آئے ہیں اور بڑی زحمت کی ہے. چونکہ ہم بعض مباحث کو مسلسل پیش کر رہے تھے, اس لیے یہ مناسب معلوم ہوا کہ یہ چار تقریریں بھی ایک سلسلے سے ہوں اور ایک مستقل عنوان ان مباحث کے لیے قرار پائے, اور وہ عنوان ہم نے لیا ہے کتاب الہی سے, اور عنوان ہے ان چار تقریروں کے لیے شرح صدر. شرح صدر سینے کا کھلنا, کیونکہ یہ کلام مجید ہی میں اس اصطلاح کو استعمال کیا گیا ہے, اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اسی عنوان پر غور و فکر ہو. یہ آیت سورہ انعام کی ہے. سورہ انعام کلام مجید کا چھٹا سورہ ہے, اور آیت کا ترجمہ یہ ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, اللہ
जब ये इरादा करता है किसी के लिए, मैं युरिद अल्लाह अन यहदियहू, जब खुदा ये इरादा करता है किसी के लिए कि उसकी हिदायत हो जाए, यशरह सदरहू लिल इस्लाम, तो उसके सीने को इस्लाम से खोल देता है। तो मैं युरिद अल्लाह अन यहदियहू यशरह सदरहू लिल इस्लाम, जब खुदा ये इरादा करता है कि किसी की हिदायत करे तो उसके सीने को इस्लाम से खोल देता है। वमन युरिद अन युज़िल्लहू, और जब ये इरादा करता है कि कोई गुमराही ही में पड़ा रहे, यजअल सदरहू ज़य्यक़न हरजन, तो उसके सीने को तंग कर देता है, उसके सीने को कुशादगी से हटा देता है, उसके सीने में जीक पैदा कर देता है। कान्नमा यस्सअदु फिस्समा, ऐसा मालूम कि उसको बगैर किसी सहारे के बुलंदियों से फेंक दिया गया है। कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, इसी तरह से खुदा करार देता है नजासत को उन लोगों के लिए जो बेईमान है। ये आयत है, यह तर्जमा है। यहां जिन मबाहिस पर नजर की जरूरत है मैं उनका इन तकरीरों में अहाता करूं या न करूं, मगर कभी भी जमाना फुर्सत दे पढ़े लिखे इंसानों को तो उसको चंद बातें याद रखनी चाहिए। इरादा इलाही क्या है, सूरत हिदायत क्या है, फिर शरह सदर क्या है, जीक सदर क्या है, ये इस्लाम से सीने को कैसे खोला जाता है, और फिर उसके बाद वो नजासत क्या है जो साहिबान ईमान न हो वो उनके लिए पैदा की जाती है। ये चंद उमूर इस आयत में जेर बहस आते हैं। कबल इसके कि हम आयत पर सिलसिले से गुफ्तगू करें, आपको उन्वान मालूम हो गया, शरह सदर, शरह खोलना, सदर सीना, सीने का खोलना, सीने का फैलना, शरह कल्ब नहीं है, दिल नहीं है, सदर, सदर और है, कल्ब और है, सदर और है, कल्ब और है। सदर एक ज़र्फ है, एक बर्तन है जिसमें दिल रहता है, सदर कल्ब नहीं है, सदर और है, कल्ब और है। चुनाचे कुरान मजीद ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्नहा ला तामल अबसार, आंखें अंधी नहीं होती, वल्लाकिन तामल कुलूबुल लतीफ़ सुदूर, सीनों में दिल अंधे होते हैं, सीनों में दिल अंधे होते हैं। तो सुदूर अलाहदा कोई शय है, कुलूब एक अलाहदा जिन्स का नाम है, इसलिए सदर और कल्ब को मिलाने की कोशिश न कीजिए। यहीं से गुफ्तगू छिड़ती है कि सदर और है, कल्ब और है। इन्ना ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल्लती बिसुदूर, आंखें अंधी नहीं होती, सीनों में दिल अंधे हो जाते हैं। आंखों का अंधा होना यह है कि नजर ना आए, दिल का अंधा होना, दिल किस चीज को देखता है, नहीं, दिल का अंधा होना यह है कि वो तारीकी में उलझा रहे और पहचान न सके कि हक क्या है और बातिल क्या है। मैं चाहता था
کہ ان تقریروں میں بھی حسب عادت ہم آپ کی خدمت کریں اور چند اہم مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں. میں اپنی دو برس پہلے کی ایک تقریر کے ایک جزو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو برس پہلے محرم میں قلب دینا ہال میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کسی کتاب کو پڑھ کے سنایا تھا ممبر سے, اور وہ کتاب یہ تھی کہ کسی نے شرح صدر رسول پہ گفتگو کی تھی کہ رسول کے سینے کو کیسے کھولا گیا اس سورے کی تشریح میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا. تو اس میں لکھا گیا تھا کہ فرشتہ آ کر اس نے سینے کو کاٹ کے رسول کا دل نکال کے رسول کے دل کو دھو کے پھر اس کو سینے میں رکھ دیا. یہ ہے شرح صدر, یہ ہے شرح صدر. یہ کئی گزری بات ہو گئی, دو برس ہو گئے اس کو میں نے کتاب ہاتھ میں لے کے اس کو پڑھا تھا کہ یہ لکھا گیا ہے, مگر وہاں بھی وہی غلطی تھی. گفتگو تھی شرح صدر کی کہ کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا, یہ دل نکالنے کی کیا ضرورت تھی. گفتگو تھی شرح صدر کی, یہ دل کو دھونے کی کیا ضرورت تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر شرح کے معنی کاٹنے کے ہیں, عمل جراحی کے ہیں, اگر شرح کے معنی چیرنے کے ہیں سینے کو, تو اب یہاں تو ہر مسلمان کو تیار ہونا چاہیے اس کام کے لیے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. خداوند عالم جب ارادہ فرماتا ہے کسی کی ہدایت کا تو اس کے سینے کو اسلام سے کھول دیتا ہے. اب جس جس کے سینے میں اسلام ہو تو کیا شرح کے موقع پر کسی ملک نے کوئی اس پر عمل جراحی کیا تھا؟ عجیب بات ہے, اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے کہ سینہ چاک ہو, اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے کہ سینہ چاک ہو طرح, لیکن یہ بڑی صفت ہے, بڑی صفت ہے جیسا کہ کہا گیا. مگر رسول کے لیے یہ پسند ہے, رسول کے لیے یہ پسند ہے کہ ان کا سینہ چاک ہو اور ان کے دل کو دھویا جائے, قدورتوں کو نکالا جائے تاکہ شرح صدر ہو, شرح صدر ہو. تو صدر و قلب کا فرق ذہن میں رکھیے. میں چاہتا تھا کہ آج آغاز میں چند باتیں تمہید کے طور پر بھی آپ تک پہنچ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم کلام مجید کی آیتیں پڑھ کر جب آپ تک مطالب کو پہنچاتے ہیں اور آپ اتنی دور دور سے زحمت کر کے جب ان مطالب کو سننے کے لیے آتے ہیں, تو حقیقت میں یہ ذوق ہے افزائش حکمت کا کہ انسان اپنی حکمت و دانائی میں اضافہ چاہتا ہے, اپنی حکمت و دانائی میں اضافہ چاہتا ہے, اور اس طرح سے اپنے فضائل نفسی کا کمال ڈھونڈ رہا ہے. میرے لفظوں پر ذرا سا غور فرمائیے, اپنے فضائل نفسی کا کمال ڈھونڈ رہا ہے. فضائل نفسی چار ہیں, فضائل نفسی چار ہیں, یعنی جہاں نفس کو فضیلت حاصل, جہاں انسان اپنے آپ میں بزرگی محسوس کرے, جہاں راہ چلتے ہوئے آپ ان تمام مطالب کو اپنے دماغ میں لیے ہوئے گزرے تو آپ اپنے میں ایک شرافت محسوس کریں, ایک کمال محسوس کریں. فضائل نفسی کی چار صورتیں ہیں, اور وہ ہے حکمت, شجاعت, عفت, عدالت.
देखिए ये वो उमूर है कि जिनको बड़े अमीक मुताले के बाद एक जगह किया गया है। फजाइल नफसी की चार कैफियतें, हिकमत, शुजात, इफ्फत, अदालत। शुजात और इफ्फत और अदालत के लिए आने वाली तकरीरों में गुफ्तगू होगी। हिकमत का लफ्ज चूंकि इस्तेमाल हो चुका था इसलिए हिकमत की हालत देखिए कि हिकमत के लिए फजाइल नफसी चार हैं, हिकमत, शुजात, इफ्फत, अदालत। हिकमत की चार हालतें, फिर हिकमत की चार हालतें, और वो चार हालतें जुका, वकावत, सफाए जहन, दो तीसरे हुस्न तहफ्फुज़, चौथे तहफ्फुज़। मैं इसको समझाऊंगा, यानी हिकमत की चार कैफियतें हैं। एक तो ये कि जुका, जकावत। जकावत के माना जैसे जैसे आपके पास मैटर आए, मवाद जमा हो, मुख्तलिफ बातें जैसी छिड़ जाएं, उन बुनियादों पर आप अपने फिक्र की तामीर करते जाएं, ये जकावत है। यानी मुकदमात पर बिना रखकर इस्तेनबात करते जाएं। मैंने दोनों लफ्ज इस्तेलाही इस्तेमाल किए हैं, आप परेशान न हो। जुका उसके लिए मयस्सर है कि जो बहुत सा इल्मी जखीरा फराहम हो जाने के बाद उसको एक तरह से जमाए, आरास्ता करे और इमारत बनाए, फिक्र की इमारत बने, यह जुका जकावत है इंसान। अब उसके बाद है सफाए जहन। सफाए जहन का काम यह है कि जब आप मुख्तलिफ उलूम के खजानों को एक जगह जमा करें, मुख्तलिफ हिकमत की बातें आपको मिले और आप इमारत बनाएं, तो उसमें से आप तेजी के साथ, आपका जहन काम करता जाए, अच्छी चीजों को चुनते जाएं, बुरी चीजों को हटाते जाएं। सफाए जहन, ये जहन की सफाई का काम कि कुदूरतों को जहन कबूल न करे। और उसके बाद है हुस्न ताअक्कुल। हुस्न ताअक्कुल का काम ये कि जहां इंसान रीजनिंग से काम ले, जहां इंसान ताअक्कुल से काम ले, उसकी सिफत इतनी है कि ये देखे कि कौन सी शय को किस मकाम पर रखना है। उसने ताअक्कुल यानी किस मैटर को कहां रखना है। आपने बहुत सी चीजों को सुन लिया, एक तकरीर में बहुत सी चीजों को सुन लिया, उसने ताअक्कुल भी चाहिए कि दिमाग के किस हिस्से में इसको जगह दी जाए, इमारत में आपके फिक्र की उसको कहां रखा जाए। और उसके बाद तहफ्फुज़ है। तहफ्फुज़ के माना यह है कि मजलिस खत्म हुई, आप घर गए, साल भर गुजर गया, दो साल गुजर गए, कि एक मर्तबा कोई बात याद आई तो तहफ्फुज़ का आलम यह हो कि दिमाग के हिफाजत खाने से जब चाहे आप उसको बाहर ला लें। दिमाग के मुहाफिज खाने से जब चाहे आप उसको बाहर ला लें, कि यह है। तो अगर ये चार बातें जमा हो जाएं, जुका, सफाए जहन, हुस्न ताअक्कुल, तहफ्फुज़, तो फिर हिकमत है। वह मयूतल हिकमा फकत ऊती या खैरन कसीरा, जिसको हिकमत देते हैं उसको खैर कसीर देते हैं। यहां बीए और एमए के डिग्रियों की जरूरत नहीं है, यहां किसी कॉलेज के बाजाबता डिप्लोमाज या डिग्रीज की जरूरतें नहीं है, यहां तो अक्ल सलीम चाहिए। और अक्ल सलीम से ज्यादा कल्ब सलीम चाहिए, कल्ब सलीम चाहिए। इसलिए कि कल्ब सलीम दुनिया व आखिरत में काम आता है। कल्ब सलीम
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر ہاں وہی جو قلب سلیم کو لے کر آئے. تو اب آپ نے اندازہ کیا کہ مجلسوں کا زیادہ تر مقصد یہ ہے کہ زکاوت، صفائے ذہن، حسن تعقل اور آپ کے تحفظ کی قوتوں کو اکجا کیا جائے، اکجا کیا جائے اور اس درس کو آپ کی عمارت فکر میں کوئی جگہ ملے، کوئی مقام ملے. جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ کسی کی ہدایت کرے، ارادہ الہی، ارادہ الہی، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن فیکون. یہ بحث میں کسی انداز میں شاید دو دن پہلے مسجد اسماعیلی میں چھیڑ چکا ہوں کہ علم الہی ارادہ الہی نہیں ہے، علم اور ہے ارادہ اور ہے، علم اور ہے ارادہ اور ہے. علم الہی میں یہ ہے کہ عمر خیام شراب پیے گا، اب یاد آ گیا، مگر ارادہ الہی نہیں ہے کہ وہ پیے. عمر خیام نے استدلال کیا تھا اور میں نے اس کی ربائی کے یہ دو مصرے مسجد اثنا عشری میں پڑھے تھے کہ میں خوردن من حق سے ازل می دانست، اگر میں نہ خورم علم خدا جہل بوت. میں اگر شراب نہ پیوں تو اس پہ جہل کا اطلاق ہوگا، ضرورت نہیں ہے، وہ علم ہے، وہ علم ہے قیامت تک کیا ہوگا. مگر علم نے حکم نہیں دیا کہ تو یہ کام کر، آپ سمجھ، علم نے یہ حکم نہیں دیا کہ تو یہ کام کر، بلکہ علم نے یہ چاہا کہ اس کے علم کے مظاہر انبیاء کی صورت میں آئیں اور بتلائیں کہ یہ امر ہے، یہ نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. وہ حکم پہ حکم دے رہا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے، نہ کہ علم الہی پر بھروسہ کر کے کوئی برائی کی طرف جائے. اب اس منزل پر پہنچ کر ارادہ یہ ہے کہ جس کی خدا ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کو، اس کے سینے کو اسلام سے کھول دیتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام، شرح صدر ہے اسلام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. عجیب منزل ہے، گفتگو چھڑ گئی، بات یاد آئی، اس لیے ذہن میں رہے. میں نے انہی تقریروں میں کبھی عرض کیا تھا کہ متوکل نے اپنے بچوں کے استاد کو بلایا تھا، اس کا نام تھا ابن السکیت، مشہور امام الصف، امام النحو، امام المنطق، مشہور حدیث، ابن السکیت، متوکل کے بچوں کا استاد، معتز اور معیت کا استاد. ایک دن خود متوکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، بچے پڑھ رہے تھے. میں یہ کہہ چکا ہوں آپ سے، دہرا رہا ہوں کسی خاص غرض کی بنا پر، کہ متوکل نے کہا ابن السکیت یہ میرے بچے اچھے ہیں یا حسن و حسین؟ آپ نے دیکھا کہ یہ ظاہری تبختر شاہی کا انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، میرے بچے اچھے ہیں یا حسن ہوتا ہے. تو اس نے پادشاہ کی صورت دیکھی اور دیکھ کے کہا، وہ علی کا غلام جو قمبر ہے وہ تجھ سے اور ان دونوں بچوں سے بہتر ہے. کہا
देखा आपने किस जुरात की जरूरत है, किस शुजात की जरूरत है, किस कुव्वत की जरूरत है। अली का गुलाम कंबर तुझसे और तेरे दोनों बच्चों से बेहतर है। उसने अपने तुर्क गुलामों को हुक्म दिया कि इसको रौंद डालो, तो उसको लिटा के तुर्क गुलामों ने उसको रौंदना शुरू किया, यहां तक कि वो मर गया। मर गया, गुलामों ने रौंदना शुरू किया। इब्न सिक्कीत ने फिर ये नहीं कहा कि अमीर माफ कर दे, फिर उसने ये नहीं कहा कि अमीर माफ कर दे, नहीं, जो हक है वो है। कंबर बेहतर है। इस मंजिल पर वो इब्न सिक्कीत की गुफ्तगू थी। कल रात को आपको याद है सिलसिले कलाम में मैंने ये कहा था कि इकबाल को हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि इकबाल के अफकार इल्हामी हैं या कुरानी हैं, ऐसा नहीं है, कहीं अख्तलाफ है कहीं इत्तेफाक है, मगर इकबाल को इसलिए पढ़ते हैं कि इकबाल थोड़ी थोड़ी दूर जाके अशखास का तारुफ करवाते हैं, अशखास का तारुफ करवाते हैं, और जब वो अशखास का तारुफ करवाते हैं तो उस वक्त फिक्र की दुनिया लरस जाती है कि इकबाल ये चंद खास आदमियों का बार बार क्यों जिक्र करते हैं। मेरी बातों का चंद खास आदमियों का बार बार क्यों जिक्र करते हैं। तो इकबाल ने जिक्र किया कि कतरे आबे वुजूए कंबरी, कंबर के वुजू के पानी का एक कतरा, कंबर जिससे वुजू करे। आप सुन रहे हैं, कतरे आबे वुजूए कंबरी दर बहा पर तर्ज खूने कैसरी, कैसर के खून से बेहतर है कंबर के वुजू किए हुए पानी का एक कतरा। कतरे आबे वुजूए कंबरी दर बहा पर तर जो खूने कैसरी, मैं सिलसिले कलाम पे आ रहा हूं, कालियत बाबो उमो आमाम बाज फौरगल बाबो उमो आमाम बाज। अब न या बाप का तस्करा करो, न माँ का तस्करा करो, न चचाओं का तस्करा करो, हम चू सलमा ज्यादा इस्लाम बाज, सलमान की तरह इस्लाम का बेटा बन के जियो। ये गुफ्तगु आपको याद है? नहीं। इकबाल ने कहां से लिया इस वाकये को? इकबाल ने इस वाकये को यहां से लिया कि आपको याद है चंगेज खान ने अपने बेटे के लिए किसी की लड़की मांगी थी, आदतन उन्होंने कहा कि खत भेजा जाए, लड़के का नसबनामा भेजा जाए, तो उसने अपने बेटे का नाम लिख के उसके बाद लिखा इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर, तलवार का बेटा, तलवार का पोता, तलवार का परपोता। सलमान से किसी ने पूछा सलमान तुम्हारे बाप का क्या नाम है? का इस्लाम। क्या तुम्हारे दादा का नाम? का इस्लाम। आपने देखा जिसको शमशीर से रब है वो शमशीर ही है, जिसको इस्लाम से रब है वो इस्लामी है, यानी अकेला एक सलमान है आलम है इस्लाम में, अकेला एक सलमान है जो ये कहे कि मैं इस्लाम का बेटा हूं। फौरगज बाबो उमो आमाम बाज, हम तो सलमा ज्यादा इस्लाम बाज, इस्लाम का बेटा बन के जियो, इस्लाम की औलाद बन के जियो। तो आपने देखा कि आलम इस्लाम में अकेले सलमान हैं जो अपनी निस्बत को बाकी रखना चाहते हैं इस्लाम से, और जब खुदा किसी के सीने को खोलना चाहे हिदायत के साथ तो उसको इस्लाम से शरह कर देता है,
इस्लाम से उसके सीने को खोल देता है। ये शरह सदर जिनको मयसर, जिनको मयसर है वहां तस्लीम है। अल इस्लाम हुआ तस्लीम, अत्तस्लीम हुआ यकीन। जहां सीना खुला वहां तस्लीम की कैफियत पैदा हुई, सुपुर्दगी। जहां तस्लीम की कैफियत पैदा हुई वहां यकीन आया, जहां यकीन आया शक गया, रायब गया, बीमारियां गईं। और ऐसी मंजिल पर वो जो दिल सीनों के हालों का जानने वाला है, वो जो सीनों के अहवाल का पहचानने वाला है, वो बेहतर जानता है कि किसके सीने ने इस्लाम को कबूल किया है, किसके सीने ने इस्लाम को रद्द किया है। और एक बात याद रखिए, क्योंकि अब शरह सदर पर गुफ्तगू है और कुरान के ताल्लुक से है, इसलिए खुदावंद अली आला के नामों में एक नाम है अलीमुन बेज़ातिस्सुदूर, सीनों के अंदर का हाल जानने वाला, अलीमुन बेज़ातिस्सुदूर। कुरान में ये नाम 12 मरतबा आया है पूरे कुरान में, अलीमुन बेज़ातिस्सुदूर 12 मरतबा ये नाम आया है कुरान। और लफ्ज सदर और सुदूर कुरान में 32 मरतबा आया कि कहां कहां सीने का तस्करा किया गया। कुरान में 32 मकाम ऐसे हैं कि जहां सदर और सुदूर पे गुफ्तगू है, और अलीमुन बिज़ाति सुदूर 12 मकाम पर आया है। इसलिए तन्हा हम एक ही आयत से इस्तदलाल नहीं करेंगे अपनी तकरीरों में, बल्कि मुसलसल आयतों को पढ़ना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि सही तौर पर ये शरह सदर की क्या कैफियत है और बातिन सदर क्या है। आज जहमत ज्यादा नहीं दूंगा, मुसलसल तकरीरें रही हैं, इसलिए कभी इस बात का भी अंदाजा रहे कि कुछ वक्त कम सर्फ हो, और बातें तो बहुत काफी हो चुकी हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, ज़ात वाजिब ने अपनी तरफ निस्बत दी है सीनों के उलूम को जानने, अलीमुन बिज़ातिस्सुदूर, सीनों में जो कुछ है उसका जानने वाला। अगर कोई शख्स किसी इंसान के मुताल्लिक कह देता हो कि इसको भी सीनों के अंदर का इल्म है तो कुफ्र होगा ना, बल्कि कुछ ज्यादा ही होगा। अलीमुन बिज़ातिस्सुदूर, तो सीनों का हाल जानने वाला। कुलूब पे बहस नहीं है, सीनों के अंदर क्या है, अलीमुन बिज़ातिस्सुदूर। अब आप मालूम नहीं इसको कैसा रिसीव करेंगे, कैसा कबूल करेंगे, लेकिन दुनिया को कभी सुनाने के लिए आप इतना कह सकते हैं कि कुरान कहे कि खुदा अलीमुन बिज़ातिस्सुदूर है, और फिक्र इकबाल यह है कि वो खत्मी मर्तबत की बारगाह में एक दुआ को पेश करते हुए कहते हैं, ऐ फुरोगत सुबह आसारो दोहूर, यानी आए कि तेरा नूर हर असर और हर दहर की सुबह है। सुभान अल्लाह, ऐ फुरोगत सुबह आसारो दोहूर, आसार असर की जमा, आइन सुआत्रे की जमा आसार, दोहूर दहर की जमा। आए के तेरा नूर हर असर और हर दहर की सुबह है, आए के तू पीनिंदे माफिस सुदूर, तू देखता है कि सीनों में क्या है। कुरान ने ज़ात वाजिब की तरह मंजूर किया, तारीफ करने वाले ने खत्मी मर्तबत की तरह मंसूब किया। हमको एतराज नहीं, इसलिए कि कमाल अब्दियत पर खत्मी मर्तबत वो मजहर अतम है।
बहुत गौर से सुनिए, वो मजहर अतम है जो ये जान रहे हैं, जो ये जान रहे हैं कि किसका अमल क्या है। कुरान ने उसकी सराहत कर दी। कुरान ने कहा कुल अमलू, सूरह तौबा, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। कह दो कि ये अमल करें, अल्लाह उनके अमल को देख रहा है और रसूल उनके अमल को देख रहा है। गुफ्तगू आगे बढ़ गई। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। कह दो कि तुम अमल करो, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है, रसूल भी देखता है, वल मोमिनून साहिबान ईमान भी देख रहे हैं। इकबाल रुके थे एक मंजिल पर आकर, कुरान ने उस मंजिल को और आगे बढ़ा दिया कि माफी सुदूर को जानने वाला रसूल भी है और वो साहिबान ईमान भी है जो रुकू के आलम में ज़कात देते हैं। आपने महसूस किया, ये फिक्र है और इस पर नजर रहनी चाहिए। उले अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। अल्लाह देख रहा है अमल को, उसका रसूल देख रहा है, साहिबान ईमान देख रहे हैं। फसतुरदून इला आलिम गैब व शहादा। फिर इसके बाद तुमको पलटा दिया जाएगा आलिम गैब व शहादत के पास। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। वो तुमको खबर देगा कि तुम्हारा अमल क्या है, अंजाम वहां है। बीनिंदाए माफी सुदूर, चश्मे तो बीनिंदाए माफी सुदूर। नबी भी है और वो भी है कि जिसका ईमान ईमान रसूल से मुत्तसिल हो, ईमान नबी से मुत्तसिल हो। गुफ्तगू यहां रुकी और सिर्फ ये कहकर हम आगे बढ़ेंगे कि अमल उम्मत से नबी बेखबर नहीं है। कभी यह ख्याल न किया जाए कि नबी को इल्म नहीं है कि उम्मत क्या कर रही है, इसलिए कि नबी मर गया। मेरे जुमले पे अगर गौर करेंगे आप तो महफूज रखेंगे। ये कभी ना सोचा जाए कि नबी को क्या खबर है कि उम्मत क्या कर रही है, नबी मर गया। नहीं, नबी को उस वक्त तक खबर है उम्मत के आमाल की जब तक उम्मत पुकारती रहेगी अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आप किसकी गवाही दे रहे हैं, आप किसकी रसालत की गवाही दे रहे हैं? जिसकी रसालत की गवाही आप दे रहे हैं उसको खबर है कि अमल क्या है, यानी उसकी रिसालत को आप मान रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वो है, इसलिए अमल का निगरान है, निगरान। और अगर इसके बाद दुनिया रुक जाए तो हम आगे बढ़ते हैं इसलिए कि हमारे पास एक और शहादत है, एक और गवाही है, हमारे पास हमारे अमल को देखने वाला एक और है, एक और है। और अगर कोई ये कहे कि वो क्या देखेगा, वो तो नजफ में है, तो जब तक अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह कहा जाएगा वो बराबर देख रहा है। गवाही को देखिए, यह गवाही सिंबल है, यह गवाही निशानी है, यह गवाही एक अलामत है। मैंने तीन लफ्ज मुसलसल इस्तेमाल किए हैं, निशानी, अलामत, सिंबल। यानी यह नहीं है कि हमने सिर्फ एक नाम लिया है, बल्कि उस नाम को वहां सिर्फ इसलिए रखा है, वो नाम इसलिए वहां रखा गया कि उसकी विलायत का ऐलान रसूल ने गदीर में कर दिया था।
वरना वो एक अलामत है कि ये नाम ले लो, हर जमाने के इमाम का नाम खुद ब खुद इस नाम के तहत आ जाएगा। कोई दिल में ये ना सोचे कि हम अपने जमाने के इमाम का नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो वो सिंबल है, विलायत अली खुद सिंबल है, वो अलम सिंबल है, निशान है, हर जमाने के इमाम के लिए वही एक कलमा शहादत काफी है। इस पर कभी आप गौर करें कि क्या गुफ्तगू थी, यानी वो एक ऐसी अलामतियत है, एक ऐसी रमजियत है कि बज़ाहिर नाम एक का लिया, उससे मुराद सब के सब हैं, उससे मुराद सब के सब हैं। और इसी तरह से हम ये जानते हैं कि अइम्मा भी देख रहे हैं, और यह आयत है वल मोमिनून, और साहिबान ईमान आमाल को देख रहे हैं कि सीनों में क्या है, दिलों में क्या है, अमल क्या है, जबान पे क्या है, अकीदा क्या है। और इसलिए देखने वाले को खुशी भी उतनी ही है, रंज भी उतना ही। खुशी अगर ये देख ले कि मेरे पैगाम को सुनने वालों ने अमल किया, खुशी है। और अगर ये महसूस करे कि खुद मेरे घर पे यह मुसीबत पड़ी, तो रंज है। तो कितनी जहमतों में आले मोहम्मद मुब्तला होंगे कि जिन्होंने अपने आंखों से अपने घर को लूटते हुए देखा। अब आप समझिए, यानी अगर आमाले उम्मत को अइम्मा देख रहे हैं तो इसके माना यह है कि करबला कोई ढकी छिपी कैफियत नहीं है, बल्कि सबों ने देखा, अल्लाह के रसूल ने देखा, अली ने देखा, हसन इब्ने अली ने देखा, फातिमा जहरा ने देखा, और अपने घर को लुटता हुआ देखा। यही वजह है कि बाज़ उलमा ने इस अमल पर जोर दिया है मकातिल में कि आले मोहम्मद वाक़े करबला के बाद मुख्तलिफ मकामात से पाए गए, कहीं रसूल की आवाज आई, कहीं फातिमा की आवाज आई, और इस काफिले ने महसूस किया कि आले मोहम्मद हमारे साथ साथ है। गुफ्तगू खत्म। आले मोहम्मद को इसका हक पहुंचता है कि वो साथ साथ रहे, इसलिए कि करबला नहीं है मगर रमज़े शफात, करबला नहीं है मगर एक सिंबल है शफात के लिए। और कल का आखिरी जुमला मस्जिद इस्नाशरी का यह था कि शहजादी जैनब ने लुटे हुए सामान में से एक पैराहन को ले लिया। यजीद ने कहा कि शहजादी, सारा सामान छोड़ के आपने इस कुर्ते को पसंद किया, तो रो के कहा, यजीद मैं कम सिन थी और मां के जानू पर बैठी हुई थी, मेरी वालिदा गिरामी एक पैराहन को सीती जाती थी और रोती जाती थी, मैंने सर को बुलंद करके कहा, अम्मा ये किसका कुर्ता है और आप क्यों रो रही हैं? तो मुझसे कहा, जैनब ये हुसैन के लिए सी रही, जब हुसैन रुख्सत आकर के लिए आए तो मेरे बच्चे को ये पैराहन पहना दे, और हुसैनब जब वापस मदीने आना तो ये पैराहन मुझे लाके दे देना, ताकि कयामत के दिन में शफाअत के सामान में पे। मौलाया व रब्बी, खुदाबंदा हमको कामिल ईमान, हमारे हवाजे दीनी और दुनियावी भर लाओ, हमको कोई गम न दे सिवा गमे आले मोहम्मद। एक मुख्तसर सी गुफ्तगू अभी बाकी है, और वो ये कि हमारे अजीज दोस्त हाजी अब्दुल रसूल वरू, जो ट्रस्टी थे खारादर के इमाम बाड़े के, उनका इंतकाल कल हो गया।
और आज उन लोगों ने यह ख्वाहिश की है कि एक मुख्तसर से इसाले सवाब की मजलिस में आप शरीक हों खारादर के इमामबाड़े में, जो 10-12 मिनट की मजलिस होगी। कोई साहब तकरीर करेंगे और इसाले सवाब का इंतजाम होगा। खुदा हाफ़िज़।